सिडनस, ये नाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने दिया था, जो शहनाज और सिडा शुक्ला के जोड़ी को बेहद खास बनाता है। शहनाज यह नाम इतना फेमस हुआ था कि शायद आज से पहले इसने ये हैशटैग का इतना कभी हैशटैग हुआ नहीं रहेगा और ये नाम कभी इससे पहले इतना आपके साथ ट्विटर पे वायरल नहीं हुआ रहेगा। मैं आपको एक चीज़ के बारे में रूबरू करा दूँ, एक चीज़ के बारे में वाकिफ करा देती हूँ कि रिसेंटली किसी का भाई किसी की जान या मूवी के प्रमोशन के लिए हर एक एक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कोई मुंबई में इंट्रैक्शन कर रहे मीडिया के साथ, कोई दूसरे शो में जाके इस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, कोई रियलिटी शो में आके इस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं। हर कोई एक्टर एंड एक्ट्रेस इस मूवी के प्रमोशन के लिए हर जगह बिजी हो चुके हैं। महज दो दिन की बात है और फिर ये मूवी आप सबके पास होगी, ये मूवी को देखने के लिए आप सबके पास एक प्रॉपर लाइसेंस मिल जाएगा कहने के जाए। इस बीच शहनाज का एक ऐसा फोटो सामने आता है, एक ऐसा चीज़ सामने आता है जिसे देखने के बाद शहनाज के जितने भी फैंस थे डेफिनेट की बात है रो देंगे, इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि शहनाज को काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी हरकत करते हुए नोटिस किया गया है। आखिर कौन सी हरकत है और किस वजह से मैं कर रही हूँ इस टॉपिक पे बात, आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पे जहाँ मैं आपको रूबरू कराऊंगी एक ऐसी चीज़ों के बारे में। शायद आप लोगों ने देखी रहेंगी, अगर नहीं देखी रहेंगी तो मेरी बातें सुनने के डेफिनेटली आप लोग सर्च करोगे उस चीज़ को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूँ शहनाज गिल पे रिसेंटली एक दिन पहले जब वो मुंबई में आई थी, वो एक आप कह सकते हो मीडिया इंट्रैक्शन के टाइम पे मीडिया के सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया और अकेली वो वहाँ पे स्पॉट हुई थी, जहाँ पे उन्होंने एक मिनी स्कर्ट पहने ब्राउन कलर का चॉप पहने हुए नज़र आई थी। आप लोगों ने उनका वो फोटो भी देखा रहेगा नो डाउट। बट इस दौरान मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, शहनाज के भाई शाहबाज बड़ेशा का एक न्यू सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ था, जिस बात का प्रमोशन खुद शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर वो चीज़ शेयर करते हुए भी कहा था और अपने भाई का वो सॉन्ग का एक छोटा सा रील डाल के उनको टैग विक भी किया था। इस दौरान शहबाज भी वहाँ पे मौजूद थे और जब शहनाज गाड़ी में बैठ कर कहीं जा रही थी तो शहबाज ने अपना ऐसा हाथ बढ़ाया शहनाज को कि बाय करने के लिए, जैसे हाथ बढ़ते और शहनाज ने उनके भाई के हाथ पे किस किया। अब मैं बात कर लूँ किस किया ये बड़ी बात नहीं है, भाई भाई बहन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन किस उस हाथ पे किया और उस जगह पे किया जहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला का टैटू बनाया हुआ था। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से जाने के बाद शाहबाज ने अपने हाथों पे सिद्धार्थ शुक्ला के फोटो का पूरा हूबहू टैटू बनवाया था उनके राइट हैंड के ये वाले पार्ट पे, एंड शहनाज ने उनके हाथ को ऐसे पकड़ के यू टर्न करके एंड देन उनके उसी फ़ोटो को उन्होंने किस किया। और ये देखने के बाद जितने भी र्यूमर्स चल रहे हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में कि किसी के साथ नाम जुड़ने के बारे में, ये चीज़ तो मेरे को तो सही नहीं लग रहा है, बिकॉज समहाउ अगर ऐसा होता तो शहनाज इतना जल्दी उस चीज़ को भूल चुकी होती है एंड ये हरकत नहीं कर रही होती, क्योंकि वहाँ पे तो सब मीडिया वाले भी नहीं थे। कहीं से एक सीक्रेटली ये फोटो रिवील हुआ है और आया है और उस बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि उन्होंने मीडिया को दिखाने के लिए और देखने के लिए किया है। तो इस दौरान ये फ़ोटो जब सामने आया तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने अपना अलग अलग रिएक्शन भी दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका रिएक्शन क्या है, आप ये सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन था शहनाज के ऊपर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूज।